तो सालों का लाहौल स्पीति के लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि मनाली लाहौल घाटी को जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब बनकर तैयार हो चुकी है। 2010 में शुरू हुआ ये टनल अब पूरी तरह से बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में इस टनल से आपको क्या फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश जो कि पहाड़ों के आंचल में बसा है, अपनी खूबसूरती, प्रकृति और स्वच्छ वातावरण के लिए विश्व विख्यात है। ठंड के मौसम में जहां मैदानी और मध्यवर्गीय इलाकों में मौसम ठंड और सुहावना होता है, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे जिले की खबर लेकर आए हैं जहां खूबसूरत वादियां भले ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हों, लेकिन वहां का जीवन उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इस पर एक झलक डालिए। ये तस्वीरें हैं लाहौल वैली की। दुर्गम क्षेत्रों में आने वाला ये जिला जितना खूबसूरत है उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ भी। पीर पंजाल की श्रृंखलाओं में बसी इस वैली पर जब बर्फ की बरसात होती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान ने खुद इसकी रचना अपने हाथों से की। लेकिन यही बर्फ की चादर जब लोगों के कामों में अड़ंगा बनने लगे तो 7 से 8 महीने तक की पहाड़ियां किसी जेल से कम नहीं लगती। लेकिन अब जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि मनाली लाहौल घाटी को जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब बनकर तैयार हो चुकी है। बता दें कि पहले जहां 7 से 8 महीने ये इलाका प्रदेश और देश के बाकी इलाकों में कट जाता था, वहीं अब रोहतांग टनल के होने से पूरे साल ये जनजातीय क्षेत्र पूरे देश से कनेक्ट रहेगा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाले इस रोहतांग टनल के बनने से लोगों को कितना लाभ मिलेगा और इसकी क्या खासियत है। देश की पहली और अनोखी 8 किलोमीटर लंबी सुरंग, हिंदुस्तान की अब तक की सबसे हाईटेक टनल, 80 किलोमीटर का सफर घटकर 40 किलोमीटर का रह जाएगा। मनाली को लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति से जोड़ती है टनल। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद रोहतांग सुरंग, 2 मंजिलों में बांटी गई है रोहतांग टनल। आपको बता दें कि 23 मई 2002 को स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परियोजना को शुरू करवाया था, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी और टनल बनाते हुए अक्सर पानी का रिसाव होता था, जिस कारण इसका काम 2010 में शुरू हुआ। लेकिन परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ठंड के समय में यहां काम करना और भी मुश्किल।